स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने शहर की सड़कों के किनारे रखी अवैध दुकानों को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही, लेकिन अब अतिक्रमण मुहिम का विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा है। शनिवार की देर शाम 7 बजे लगभग SGS कॉलेज के सामने रखी दुकानों के मालिकों ने अतिक्रमण मुहिम का विरोध करते हुए SDM की तानाशाही के नारे लगाए। ये सभी दुकान संचालक SGS कॉलेज से रैली की शक्ल में जय स्तंभ चौराहे पर आए, जहां पर सभी दुकानदार नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक सभी दुकानदार सड़क पर बैठकर SDM और अतिक्रमण मुहिम के नारे लगाते रहे। इन लोगों का कहना था कि जब SDM मौके पर नहीं आते तब तक वो सड़क से नहीं उठेंगे। काफ़ी देर तक ये लोग नारेबाजी करते रहे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और ना ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। गणेश बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जी के घर की तरफ करेंगे, विधायक जी कार्यालय की तरफ करेंगे, जहां पर विधायक जी को हमारी बात सुननी होगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप मजदूरों को रोजगार दे नहीं सकते, मजदूर अपने खून पसीने से जहां पे 25 साल से 30 साल से अपना धंधा कर रहा है, उसको आप चंद मिनटों में कैसे हटा सकते हैं। इसीलिए सभी लोग घूमती वाले साथी आ जाएं और हम जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये चेतावनी है। आज दिन देखने में आ रहा है कि रोडों पर इस तरह हालत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।